भाई यहाँ से देख सकते हो रास्ता पूरा यार पथरीला है, पूरा पत्थर की तरह रास्ता बना हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे ऊपर। हमको थोड़ा सा ऊपर जाना है तो यहाँ से नहीं दिखेगा, पूरा रास्ते में हम दिखाएंगे। और इस साइड जो है यार एक पानी का ये जो नाला टाइप का है, तो यहाँ का पानी जो होता है तकरीबन अच्छा ही होता है। तो दिखाते हैं आपको, यहाँ पे यार इस नाले में पानी आता है थोड़ा सा। ये पानी जो है छोटा सा कसी है, इसका पानी इतना अच्छा नहीं है। तो आगे हम दिखाएंगे यार कैसा क्या कुछ सीन होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं ऊपर की तरफ। तो ये रास्ता जो है यार बहुत ही ज़्यादा चराई में है, तो यार सीधा मिलते हैं आपको ऊपर। बस यार रोड के पास हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं, और हम देख सकते हैं यार कैसी कैसी रास्ते से हम जा रहे हैं। हमको बिल्कुल ध्यान से रखना पड़ेगा, पैर जो है उनको अपनी जगह में रखना पड़ेगा, नहीं तो वही वाला कहानी हो जाएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस वजह से हम यार सावधानी से चलते हैं। अब आगे हम रोड के पास बिल्कुल आ चुके हैं, ये देख लो स्टेप बना हुआ, इसी से ऊपर हमको चलना है। और हम फाइनली पहुँच चुके हैं रोड पर। अब जाके कहीं मन को सुकून मिल रहा है भाई, जो चराई था हो चुका हम लोग, हमारा ख़त्म। तो बस अब रोड जाना पड़ेगा, तो देखते हैं अब रोड कितना जाना पड़ेगा। तो यहाँ से पूरा देख सकते हो, अभी उधर वाला जो गांव है यहाँ से देख सकते हो कितना खतरनाक दिख रहा है। और ये जो पहाड़ी इलाका है ये भी बहुत ही अच्छा है यार, यहाँ पे मौसम जो है बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा रेस्ट करने वाले हैं। और ये पीपल के पेड़ की तरह दिख रहा है, ये कौन सा पेड़ है, चिनार, ये है भाई चिनार देख सकते हो। तो हम यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करेंगे, तो पीपल के नीचे बैठ के करेंगे इंतज़ार। सो गाइस यार यहाँ से जो व्यू देखने का है ना वो देखने के लायक है यार भाई। तो यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा व्यू जो पीछे का जो देखने को वाला है बैकग्राउंड बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है इसका व्यू। तो अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ पे जो रोड है ये सिंगल लिंक रोड है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारे तरफ जो पीछे बैकग्राउंड ये जो पहाड़ी है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का जो मौसम है वो भी बहुत ही अच्छा है, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और इतना जो है गर्मी नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे आए हुए एक हफ्ता हो गया तकरीबन, इतना पसीना जो है इतना नहीं आता। तो बिल्कुल ठंडी इलाका है, जहाँ पे हम पहले रहते थे सरनकोट में, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। तो यहाँ के उस वहाँ के लिहाज से अगर यहाँ की बात किया जाए मौसम की, तो इतना ज़्यादा रहने का अच्छा है ना, तो क्या ही बताऊँ। जो गर्मी के मौसम में यहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा है भाई। सो गाइस यार यहाँ पर हम अभी पहुँच चुके हैं, कौन सा यहाँ ब्यारा, यह है बडलकोट देख सकते हो। यहाँ का जो मौसम है वो भी बहुत ही अच्छा है, तो ये गांव भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लेंटर वाला मकान आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरा जो है बंगला ही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी जो है ना बहुत ही ज़्यादा होता है भाई। तो यहाँ पे इस वजह से जो है सभी में बंगला ही दिखेगा, इतना लेंटर वाला मकान यहाँ पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हो एक नदी जा रहा है, ये वाला नदी जा रहा है। तो इसका पानी भी बहुत अच्छा है, नदी भी इतना ठंडक पहुँचाता, मैं क्या ही बताऊँ। फिर चलते हैं आगे, तो आगे भी बहुत कुछ देखने का है अभी। तो यहाँ पे वीडियो स्किप मत करना, बिल्कुल पूरा चीज़ एक एक करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा भी आप स्किप कर देते तो बहुत चीज़ देखने को आपको रह जाएगा। सो गाइस यार ये जो पूरा पहाड़ी ऊपर जो बादल सफ़ेद सा दिख रहा है, ये अभी मान लो यहाँ तक, उधर कश्मीर स्टार्ट है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम टॉप में जाने वाले हैं, बस 10-15 दिन के बाद आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो यार बने रहे हमारे वीडियो के एंड तक, अगर हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे भाई इतना ही ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलने वाला है। तो यहाँ से जो देख सकते हो व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत है, ये वाला। तो ये इस रास्ते से हम गए थे उस टाइम, तो उस टाइम हम थोड़ा सा जल्दी में थे, तो आपको जाने के टाइम तो नहीं दिखा सकता, बट अभी हम आपको दिखाने वाले बहुत चीज़। ये जो नीचे नदी जह रहा है वहाँ पर भी उसका पानी जो है बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद लग रहा है, और समझ लो दूध ही। बाहरी जो इलाके में, जो हमारे प्लेन इलाके में जो पानी होता है उसके लिहाज में ये जो पानी है ना बहुत ही ठंडक पहुंचाता है मेरे भाई। तो यहाँ पे अगर आप एक गिलास भी पानी पी लेते हो ना, तो लगता है कि चलो यार आप जमजम पी लिए, आपको ऐसा महसूस होगा।
और यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ना, ये भी बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। और ये जाता है टॉप तक है, हम जाने वाले इसके ऊपर। तकरीबन हमको 10 से 12 दिन लगेंगे इसके ऊपर, हम जाएंगे आपको पूरा इलाका दिखाएंगे। यार अभी से आप अगर सपोर्ट करना शुरू कर दो तो पूरा हमको भी कॉन्फिडेंट होगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हमारे ऑडियंस जो हमें जो अपना महत्व समझते हैं और हमारा हमको अपना कीमती टाइम देता है, तो इसलिए हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाएंगे आपके लिए, यार आप तक पहुँचाएँगे अच्छे अच्छे जगहों का, जो वीडियो ऐसे ऐसे जगहों का वीडियो दिखाऊँगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सो गाइज फिलहाल जो है हम इस रास्ते से आगे जा रहे हैं और आगे जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या देखने का है चीज़। तो मेरे दोस्त हम पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी जगह में जो आँखों के ही नहीं दिल को भी ठंडक पहुंचाता है। तो यहाँ से आप जो देख रहे हो, जो ऊपर से हमने नदी दिखाया था वो बिल्कुल यहाँ से दिखेगा आपको बिल्कुल करीब में। तो ये भाई ये नदी है और ये छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर हम अभी चल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ इस तरफ से सुभाष भाई जा रहे हैं और इस तरफ से हम जा रहे हैं। तो ये जो नदी है ना भाई, ये बिल्कुल कश्मीर से टच करता है, जो कश्मीर वाले पहाड़ी है ना वो वाला, जो जहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद बादल दिखता है वहाँ से उतर के ये नदी यहाँ से शुरू होता है। तो बस यही नदी जाता है भाई कुछ वाली साइड, और यही आप समझ सकते हो पाकिस्तान भी यही नदी जाता है। तो यहाँ का जो पानी है देख सकते हो कितना ख़तरनाक पानी दिख रहा है, पूरा वाइट वाइट। दो चार दुकानें थे और यहाँ से हम ले लिए हैं चोको सो, तो इसको अभी हम खाएंगे यार, चलेंगे फिर आगे। तो बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत दूर से पैदल आ रहे थे भाई। सो गाइस मिलते हैं आपको फिर आगे। सो गाइस यार हम लोग पहुँच चुके हैं फिरदौस भाई की दुकान पर। तो यहाँ पे फिरदौस भाई तो नहीं है बट डिक्की भाई मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? तो ये है हमारा डिक्की भाई, अभी यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग गए थे लोरन की तरफ, तो आप क्या कर रहे हैं यार? कुछ नहीं, बस शॉप पे बैठा था, टाइम पास कर रहा हूँ यार। टाइम पास करो तो हम लोग तो बहुत दूर से आ गए। कहाँ गए? चलो भाई ये था हमारा विक्की भाई। सो गाइज आपको दिखाते हैं और भी आगे कुछ दिखाने का होगा, तो गाइज हमारे वीडियो देर तक बने रहे। हेलो गाइज, यार उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार हम आएंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके, तब तक यार हमारे चैनल को सपोर्ट करो और दबा के सब्सक्राइब करो भाई, दोस्तों में शेयर करो वीडियो ताकि हमको भी सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिले ताकि हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के दे सके। सो गाइस यार करते हैं वीडियो को यहीं तक एंड, तब तक के लिए बाय बाय।